तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था जिगट पाउडर और जोस पाउडर के बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार गम पाउडर, जो कि सामने हम रखे हुए हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ग्वार गम और किस तरीके से हम इसे अपने अगरबत्तियों में प्रीमिक्स पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ मनीष, और कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, तो ये हम रखे हुए हैं ग्वार गम पाउडर, और ये भी एक गमिंग पाउडर है जिसे हम अगरबत्तियों में यूज़ करते हैं अपने प्रीमिक्स पाउडर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ग्वार गम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने, ये पाउडर्स मैं रखा हुआ हूँ, ये है ग्वार गम, और ये दिखने में तो आपको पूरी की पूरी वाइट नज़र आएगी। मतलब ये पाउडर एक मैदे के रूप में होती है, मतलब मैदा जैसा दिखने में दिखता है उसी तरीके की ये भी पाउडर होती है, जो कि पूरी की पूरी वाइट में होती है। और जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ग्वार गम, जिस तरह हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में हम ग्वार फल्ली जिनको जानते हैं, ग्वार फल्ली आपने कभी कभी सब्जी के रूप में इसे खाया भी होगा, और नहीं खाया होगा तो जानते होंगे कि ग्वार फल्ली जो कि हमारी सब्जियों में एग्रीकल्चर फील्ड में इसकी खेती की जाती है, उसी तरीके से इसकी जो ग्वार फल्ली की कुछ प्रजातियाँ जो कि हाइब्रिड कहलाती है, उसे इंडस्ट्रियल फील्ड में, मतलब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए उनकी कुछ बीजों का, जो अच्छी प्रजाति की बीज होती है उनका यूज़ करके इसे बनाया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स या फिर और किसी पौधे या पेड़ का बीजों का यूज़ किया जाता होगा, या फिर कुछ केमिकल्स करके इसे बनाया जाता होगा, उसके बारे में मुझे उतना डीपली नॉलेज नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि ये ग्वार फल्ली और कुछ हाइब्रिड ग्वार फल्ली का बीजों का यूज़ करके इसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया जाता है, जैसा कि हम अपने अगरबत्तियों में भी यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो कि मैं देखा हूँ तो ग्वार गम पाउडर हमारी अगरबत्तियों के लिए ही यूज़ की जाती है, और अदरवाइज़ और किसी चीज़ों में मैं यूज़ करते नहीं देखा हूँ ना ही सुना हूँ। तो आपको तो ये पता लग गई होगी कि क्या है ग्वार गम, और दिखने में आपको सफ़ेद ही दिखेगा। और ये पाउडर जो है काफ़ी वेट में आती है, मतलब जैसा हमारा जोस पाउडर और जिगट पाउडर में जो वेटी होती है उससे 50% वज़न कहलाती है, मतलब काफ़ी वेट में ये वज़नदार होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसे अपनी अगरबत्तियों में यूज़ करते हैं, और यूज़ करने से क्या हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा हमारी अगरबत्तियों में, या कितने रेशियो में, और प्रीमिक्स पाउडर के अंदर हम कितना परसेंटेज में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ग्वार गम ज़्यादातर बहुत कम रियर केस में इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी अगरबत्तियों में यूज़ करने के लिए जिगट पाउडर और जोस पाउडर होती ही है। तो जैसा कि हमारी पाउडर फॉर्म में जो अगरबत्तियाँ होती हैं, जैसा कि जो कलर स्टिक हो गई, या फिर T1 पाउडर से बनी हुई अगरबत्तियाँ हो गई, और जो हमारी लोभान अगरबत्तियाँ बनती हैं जो काफ़ी मोटी स्टिक में जो तैयार होती हैं, उस टाइप की अगरबत्तियों में ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है। और हमारी ब्लैक अगरबत्ती जो होती है, जो चारकोल से बनी होती है, उसमें भी यूज़ की जाती है, बट बहुत ही कम रियर केस में इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पाउडर जो है काफ़ी हार्ड होती है। मतलब मान के चलिए कि हमारा जो जोस पाउडर होता है उससे 2 गुना स्ट्रॉन्ग होती है ये पाउडर, जिसके कारण से ये हमारी जो स्टिक इसमें से तैयार होती है वो काफ़ी स्टिकी होती है, और इसमें कुछ फिनिशिंग और मान के चलिए कुछ क्वालिटीज़ जो है वो चेंज करती है। तो जैसा कि कुछ पाउडर से जो हम अगरबत्तियाँ बनाते हैं, जैसा कि हमारा T1 पाउडर हो गया, और हमारे इंडियन मेड में पाइन वुड पाउडर हो गया, और एक चाइनीज़ पाउडर होती है वाइट पाउडर, जो कि लोभान और कुछ कुछ जो कलर स्टिक है उसमें से भी तैयार होती हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा वुड से रिलेटेड अगरबत्तियाँ होती हैं तो उसमें गमिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब उनको गमिंग करने के लिए, मतलब अगरबत्तियाँ बनाने के लिए उसमें काफ़ी हद तक हमें गम पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। और जो कि हमारा ग्वार गम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया कि ये पाउडर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसमें कलर्स जो है वो वाइट होती है, तो वाइट और
पाउडर के साथ में इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है और स्ट्रांग होने के साथ साथ जो हमारी स्टिक होती है वो पाउडर फॉर्म में काफ़ी अच्छी बनती है। मतलब वाइट पाउडर में ग्वार गम का यूज़ इसलिए ज़्यादा किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो कि हमारी कलर स्टिक होती हैं, तो कलर स्टिक में ज़्यादातर कलर रिड्यूस ना हो करके वाइट पाउडर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी प्योर वाइटली में आती है। और जैसा कि आप जोस पाउडर देखे होंगे तो जोस पाउडर हल्की सी लाल कलर में आती है, मतलब ब्राउन शेप में या फिर रेड कलर में वो होती है, तो उसमें कलर चेंज होने का एक रीज़न होता है जो कि ग्वार गम यूज़ करने से नहीं होता, क्योंकि ये भी प्योर वाइट ही है। तो दूसरा रीज़न यही होता है। और ब्लैक स्टिक में कई कई लोगों का यही होता है कि हमारी स्टिक जो है फिनिशिंग नहीं होती, मतलब उसमें खुरदुरापन होता है। और दूसरा चीज़ कि डिपिंग रेशियो काफ़ी हद तक ज़्यादा आ जाता है। कई कई लोगों का जोस पाउडर भी यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक या फिर ख़राब चारकोल की क्वालिटी के कारण डिपिंग रेशियो एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो आप इसमें ब्लैक अगरबत्ती के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन रियर केस में इसे 10-15% ही आपको देना है, जो कि आपके स्टिक को ये जो खुरदरापन है वो उसको हटाएगी, एक अच्छी फिनिशिंग और आपकी अगरबत्ती में चिकनाहट जो है पैदा करेगी। अब इसे हमें ब्लैक अगरबत्ती में कितना यूज़ करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक अगरबत्ती में रियर केस में आपको 10% एवरेज आपको देना है, मतलब 1 kg में आप 10%, मतलब 10 ग्राम ही देना है आपको इसमें, 10-15 ग्राम, उससे ज़्यादा आप ना करें। तो ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे, कई कई लोग अपने और क्वालिटीज़ अच्छी हो जाए इस कारण से कई लोग 20% या फिर 25%, 25 ग्राम 30 ग्राम तक भी यूज़ कर लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट में आपकी डिपिंग रेशियो पूरा गिरा देगी। तो डिपिंग रेशियो अगर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है तो 10% एवरेज आप दे सकते हो, 1 kg में आपको 10-15 ग्राम ही देना है। तो इस तरीके से आप ब्लैक स्टिक में भी इसे यूज़ कर सकते हो, और इसे यूज़ करने से आपकी जो स्टिक की प्रॉब्लम है, खुरदुरापन है, वो चेंज हो जाएगा और आपका जो डिपिंग रेशियो जो एडजस्ट नहीं होता है वो आपका इसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि डिपिंग रेशियो में ऐसा होता है कि इस पाउडर का यूज़ करने से जो उनमें जो क्षमता होती है, मतलब एग्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है, वो पूरी की पूरी तरह ये कम कर देती है। तो डिपिंग रेशियो एडजस्ट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10-15% एवरेज आपको यूज़ करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको मैंने ग्वार गम पाउडर के बारे में बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।